जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अभी वीडियो देख रहा था, आपको साथ में पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, और अभी वीडियो क्लिप शॉर्ट्स आपको चला कर दिखा भी दूंगा। बाजवा साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, आपने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक देख ली होगी, या आपको शॉर्ट्स में क्लिप आपको दिखाता हूँ, या दो बातें करूँगा, वीडियो अख्ताम करेंगे। नंबर एक, इसके मुतलक मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था मनफी एंड मुस्बत, यानी कि बैड एंड गुड, सही और गलत, दो किस्म के कमेंट आ रहे थे। हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदा कमेंट कोई ना कोई दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं, ठीक है जी, अभी ये रिटायर हैं, आपको पता है। ये फ्रांस में तकरीबन न्यूज़ के मुताबिक जो लिखा हुआ है, फ्रांस में जी वेकेशन यानी कि छुट्टियां गुजारने बोल रहे हैं, या किसी काम के सिलसिले में बोल रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। यार मैं एक बात बोलूंगा तमाम परदेशियों के लिए जी, खासकर देखें तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबक है, जो परदेश में बैठे हुए हैं उनके लिए खास है। क्या आपको पता है, एक साल पहले जब हमारा एक हकूमती वफद मदीना शरीफ पहुंचा, और मदीना शरीफ में पाकिस्तानी खासकर पठान भाइयों ने बहुत बदतमीजी की और चोर चोर के नारे लगाए, बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने उन सबको उठा लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया, 9-9 लाख तक के फाइन हुए उनके ऊपर, 3-3 साल तक की कैद, ठीक है जी। तो क्या हुआ था उसके बाद, अब जब कोई भी हकूमती बंदा हमारा जाता है, आर्मी का बंदा जाता है सऊदी अरेबिया में, हम दूर खड़े होकर उसको देख लेते हैं, उसको सलूट कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं है उसको कोई भी किसी किस्म का कोई फिक्र कस जाए या उससे बदतमीजी कर जाए। देखिए मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखिए मैं अगर गलत काम करता हूं तो कोई बंदा कहीं मुझे मिलेगा तो वो मुझे बोलेगा ही, लेकिन भाई जो हकूमती वफद होते हैं, जो आर्मी के बंदे होते हैं, आप पब्लिक प्लेस के कहीं भी ऊपर बैठकर इनके साथ बदतमीजी करेंगे, आप खुद सोच लें, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, ठीक है जी, फैमिली आपकी बैठी हुई है, आप उनके साथ बैठे हुए हैं कहीं, और एक बंदा आकर आपको बुरा भला बोलना शुरू कर दे। वीडियो क्लिप आपको मैं साथ में दिखा दिया थोड़ा सा, शायद यार मैं सुना नहीं सकता, उसकी वजह पता क्या है, कुछ जुबान ऐसी इस्तेमाल की गई है इस वीडियो में, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकता। तो अगर को बुरा आपको ऊपर से आकर बंदा बुरा भला बोलना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा, ऊपर से आपकी वीडियो बना रखा हो तो कैसा लगेगा। बात यह है कि देखें मैं सिंपल सीधी बात करूंगा, कोई बंदा बुरा है या अच्छा है वो एक अलग मामला है, लेकिन आप उसकी फैमिली के साथ या किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर बैठकर उसकी बिस्ती और वो भी वीडियो बनाकर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं तो कैसा लगेगा। अगर वही बंदा आप उसकी जगह पर बैठे हो और वो बंदा आपकी वीडियो बना रखा हो आपकी बीवी बच्चों के साथ, तो आपको कैसा लगेगा। मैं बिल्कुल इस मामले के सिलसिले में अपनी राय जो मेरी खुद की है वो जी बिल्कुल गलत है जी, ये इस बंदे को चाहे अफगानिस्तान का चाहे किधर का भी है, इसको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और इसके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो इसको देनी चाहिए, ताकि किसी भी कंट्री के आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी जुबान बोलने से पहले ये सोच ले कि इंसानियत भी कुछ चीज़ है।